Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So guys, welcome back to my channel, my new video. So guys, again, आज हम कोई होम ब्लॉग करने वाले हैं. अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ मुझे खुद को नहीं पता, बट थोड़ा ब्लॉग लेट चालू किया है क्योंकि अभी दिन हो गया है. और चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग. ज़्यादा बात नहीं करते, बाकी बात बाद में कर लेंगे. Right now it's 4 o'clock and I'm getting hungry plus I'm getting bored. So मैं ये सोच रहा हूँ कुछ अभी 5:30 या 6 बजने में टाइम है, क्योंकि उस टाइम मैं एक्सरसाइज वर्कआउट करता हूँ, तो तब तक टाइम है कुछ ना खा लूँ. सो मैंने मम्मी को बोला दैट कुक समथिंग फॉर मी, एंड मैं सोच रहा हूँ टी वी देख लेता हूँ तब तक, और फिर थोड़ी बहुत बातें या थोड़ी बहुत जो मैं एक्टिविटी करूँगा वो बाद में दिखाऊँ आपको. सो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, टी वी देख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ. एक मिनट रुको, इसको बारे में बात करते हैं. पहले मैं ये बोल रहा था कि जो आपने क्लिप देखा ना, ये जो अभी इसका डॉक्टर आया खटके, मतलब लाइट वाला गया, इसका सीन ऐसा था कि लॉकडाउन में ना सबके खटके जो मेरे रूम के या उस रूम के बाजू वाले रूम के सबके खराब हो गए थे, वो सब चेंज किया, वायर वायर सब चेंज किया, सही किया. इसलिए मैं सोचा ये भी शॉर्ट ले ले तो अपने को क्या है, तो अभी शेयर कर लिए. सो अभी मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी इट्स नाउ 5 o'clock, उसमें भी अभी 15 मिनट बाकी है, ठीक है. तो मैं 6 बजे या 5:30 तक अपना वर्कआउट करता हूँ. तो उससे पहले मैं सोचा कि बैठे बैठे करूँ क्या मैं, क्योंकि ये सब काम तो मैंने कर लिए, देखा अपने, ठीक है. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे अभी लॉकडाउन है. लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ कर लेते हैं, बट कभी कभी पता है ऐसे नॉर्मली बैठे बैठे अपने बाल ऐसे 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 करते रहते हैं, अपने इसको ऐसे कुछ ना कुछ अपने शरीर में मचकाते रहते हैं. सो वही मैं कर रहा हूँ. मैंने देखा मेरे बाल, अभी देखो ये देखो कहाँ कहाँ तक छू रहे हैं, बोलते हैं हद पार कर दी बालों ने. सो उनके साथ ही मैं खेल रहा, तो ऐसे मैं सोचा थोड़ा बहुत मैं वीडियो में अपना टाइम पास कर लूँ मैं. अब मैं मुझे देखो, मैंने ना लॉकडाउन में लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा ऐसे ना तो वैसे मैं सोचता हूँ आफ्टर लॉकडाउन में ऐसे ना चोटी रख लूँ बालों में, ये पूरे साफ हो जाएंगे, यहाँ के साफ और ये चोटी कैसे लगेंगे, ठीक है. या आप अपने नॉर्मली वही कुछ ऐसे बाल रख लूँ, मतलब ये तो ज़्यादा लंबे, थोड़े से कट के बाद में ऐसे, या फिर अपने जो अभी नॉर्मल में रहते हैं वही. कैसे हो गए यार, ये देखो कहाँ कहाँ ही निकल रहे, कुछ कहीं हो रहा है. दिक्कत पता है, दिक्कत कुछ नहीं, बाल भले यहाँ तक अपने वहाँ तक छू ले, दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं. दिक्कत ये है कि जो ये पता है यहाँ से छूचू 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 निकल जाते, ये देखो ये वाले, ये पता बहुत बेकार दिखते हैं अभी. ये बीच में भले कैसे भी हो चलता है, और साइड से होता है वो मेन होता है. मैं घर पे कर सकता हूँ बट मैं करना नहीं चाहता, वापस मुश्किल से ये देखो इसके वापस सही हुए वापस बिगड़ जाएंगे, ये देखो पीछे से कर्व हो जाते हैं. क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा सा था, टिंगू मिंगू छोटा दिखता था मैं, तब मेरे बाल घुंघराल होते हैं,
तो उसकी वजह से ये ऐसे अभी क्या ही करूँ बताओ। अभी अब लॉक अनलॉक हो गया है, मैं कटा सकता हूँ क्योंकि सैलून खुला है, बट आई कांट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। चलो कोई नहीं, बढ़ने देता और क्या है अपने। अब ये सब बोलते हैं यहाँ तक बढ़ा लूँ एकदम, अब मैं कटाऊँगा ही नहीं, इसलिए मैं अब करूँगा, अब मैं काटाऊँगा ही नहीं बाल। Now this is the solution. Perfectly. ये गंजा कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, ये चिपक गया सीधा। अब इस ये सॉल्यूशन है, बस आँखों में भी नहीं आएंगे, ऊपर बंदे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये सो गाइस, अभी 5:30 बजे मतलब 5:30 हुए। सो ऐसे मैं 6 या 6:30-7 बजे तक अपना वर्कआउट करता हूँ, बट अभी 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठने, तो उसके चक्कर में ऐसा होता है कि मैं वर्कआउट पूरा कंप्लीट नहीं होता है, या उसको पूरा एकदम बोलते फोकसली नहीं कर पा रहा मैं। सो मैं सोचा कि थोड़ा सा जल्दी कर लूँ, या किसी के साथ नीचे जाना पड़ा बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में आराम से सब वर्कआउट हो गया उसके बाद आराम से जाके नीचे जा सकता हूँ मैं। सो वही सोचा चलो। और एक और बात, अभी फ्राइडे ही है, तो फ्राइडे को ऐसे मेरे जिम में बैक होता है, बट अभी यहाँ पर कोई है नहीं अपने पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे नहीं है, अपने फ्राइडे पर बैक लेग मार लेते हैं। सो लेग के लिए कितने हैं, 1-2 कम से कम 3-4 ही है, ज़्यादा है नहीं, तो पटा लेते उसके बाद चलते, देखते हैं। किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने बोला चलो चलते हैं, तो नीचे जाके ब्लॉक करते हैं बाद में। तो तब तक आप ये थोड़ा सा वर्कआउट देख लो कर लो मेरे साथ। वर्कआउट करने से पहले थोड़ी स्पेस खाली होनी चाहिए, तो अपने वर्कआउट पूरा करें। मम्मी साफ करे तब तक तो ठीक है, हमने तो कभी नहीं किया, बहुत रैली किया हो तो पता नहीं, पर इसको अब सब ये जो अपने देखा पूरा उसको तो साइड कर। तो भाई अभी माइक नहीं पहना, तो पंखे की आवाज़ है, तो उसे प्लीज़ अवॉइड कर लेना, ठीक है। तो वर्कआउट करने से पहले एक बात बोलूँ, मैंने अपने जिम में भी पाँव में इतनी मेहनत नहीं की है, कभी की है रेगुलरली, थोड़ा बहुत कभी कभी की है, बट बीच बीच में पाँव मैंने छोड़ दिया। आई नो दैट पाँव में भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज करना, बट मैंने किया नहीं, बट वो पता नहीं क्यों नहीं है, आलस भी आता है, थोड़ा दर्द होता है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट बाकी हाथ और शरीर में तो पूरा किया मैंने, बट अभी पैर का नहीं किया, और पैर को कोई कट नहीं दिख रहा हो, कोई मसल नहीं दिख रहा हो, तो ऐसा मत समझ रहा है खाली वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेन चीज़ म्यूजिक बिना मजा नहीं आती। एक बात बोल दूँ, अगर आपको भी मन है ना ये, सो जरूरत नहीं है लकड़े की, मतलब लोखंड की, यू कैन ऑल्सो यूजली वही अपना हाथ ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, वो बाद में सीटअप्स मार लो, कहाँ पकड़ के मार लो, चलता है, वो भी चलता है, ज़रूरत नहीं। वेट तो ऐसे आता है, बट वेट नहीं तो भी चलता है, वो भी बांधा नहीं। तो खाली लेग प्रेस तो नहीं हो पाएगा, बाकी 2 और है वो भी मार लेते हैं, ये 2-3 ही ठीक है मेन है,
बाकी ये भी लेग्स के लिए और कुछ खास है नहीं करने के लिए, तो क्या करें। सेम विद दिस सेट ऑल्सो, डंबल नहीं करना है आपको, विदाउट वेट कर सकते हो। चल तो थर्ड की हो जाए अपने ये इस चीज़ के लिए मारेंगे ये। अब इसके लिए एक पट्टी चाहिए होगी, ठीक है, पट्टी ऐसी पट्टी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बताता हूँ अभी। तो पता चल गया क्यों। सो नाउ लास्ट फोर चार बहुत है, क्योंकि क्योंकि बाद में बता दूँ सेट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली वी हैव टू जंप। अगर आपके पास कीपिंग वो है अच्छी बात है, मेरे पास है बट पंखा अड़ेगा इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे ही कूद रहा हूँ, बट आपके पास है तो यू कैन यूज दैट, अदरवाइज नहीं तो ऐसे ही कूद दो। इस पर दो तरह से कूदते हैं, एक तो अपना एक क्रीप जो होता है वो पूरा जमीन पे टच करके, एक होता है ऐसे तो उसको ऊपर रखते हैं, उससे अपने जो इस पर आता है। माइक पहन लेता। वर्कआउट सेशन खत्म हुआ, आज जल्दी कुछ आप नहीं देख पाओगे, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, मैं चार्ज में है फ़ोन मेरा। सो आई वॉज सेइंग दैट तो ये कुछ चार एक्सरसाइज जो अपने लेग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एट होम मैं यूज़ करता हूँ। इधर तो अच्छा ज़्यादा दर्द होगा, अभी रात को पता चलेगा। तो अभी फ्रेश व्रेश होते हैं, उठते हैं, पेट को आ रहा है नहीं आ रहा है, चलना है कहीं नहीं, तो रेडी होते हैं। उससे पहले 10 मिनट मैं लेटूँगा आराम से। चल थोड़ा सा पास लाओ हाथ अब। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये मेरे प्यारे भाई आने वाले हैं। नहीं इतना जल्दी नहीं आएगा हार गए। सो गाइस राइट नाउ इट्स 7 o'clock एंड कुछ रीज़न इसलिए मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो 6:30 या 7 बजे के नीचे अराउंड मैं नीचे चला जाता हूँ। दो दिन से
बट अभी मेरा कुछ रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो रहा है, लाइक इट्स गोइंग अबाउट 15 मिनट्स अबव, सो मैं नहीं चाहता ये 15 मिनट से ऊपर जाए, और ये 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर है तो अच्छी बात है। सो एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि मेरे फ्रेंड फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, आई डोंट नो वाई। सो कोई नहीं, कल जाऊँगा, कल फ़ोन उठा लिया अभी तो अभी बात कर लूँगा, कल मिल लूँगा उससे थोड़ा जल्दी। एंड मैं नीचे जो भी कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या होता है, जो भी होता है वो सब ब्लॉग में डाल दूँगा मैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और एक रीज़न और ये, मैं छोटा भाई एक्टिवा लेके चला गया। सो सब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें लिखा क्या है आप पढ़ नहीं पाओगे, उल्टा दिख रहा है। इसमें लिखा है एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न। सो रीज़न पता नहीं क्या है, बट कोई रीज़न इसलिए सब हो रहा है, ठीक है। सो चलो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं कल या परसों वापस कोई ऐसे वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस माई होम ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक दिस वीडियो। प्लस इफ़ यू डोंट लाइक एंड डिसलाइक प्लीज़ कमेंट बिलो, बिकॉज कमेंट करना, कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है। एंड बता नहीं सकता अभी, बाद में बताऊँगा कभी और, बट कमेंट कर देना। इफ़ यू डोंट लाइक देन ऑल्सो कमेंट, इफ़ यू लाइक देन ऑल्सो कमेंट। और आपको क्या अच्छा लगा वो बता देना, और आपको क्या देखना वो भी बता देना। मतलब ओवरऑल जैसा तैसा कैसा भी है सब कमेंट कर देना आप, ठीक है। सो बस बाय बाय, टेक केयर।